नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 21वें मुकाबले में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने थी। पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक मामूली सा स्कोर कोलकाता के सामने बनाया। उन्होंने 9 विकेट पर सिर्फ 123 रन बनाए, लेकिन टीम ने केकेआर के खिलाफ हार नहीं मानने की पूरी तैयारी कर रखी थी। रवि बिश्नोई ने इस दौरान बल्लेबाज सूर्य नारायण का एक शानदार कैच लपक कर मैच को पूरी तरीके से बदल दिया था। आईपीएल 2021 के मौजूदा सीजन का सबसे बेस्ट कैच भी कहा जा रहा है। मैच के तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने बायां हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप की गेंद पर बड़ा शॉट खेला। गेंद बैट से लगकर लेग साइड पर काफी ऊंची गई। डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे रवि बिश्नोई ने लंबी दौड़ लगाते हुए पहले तो शानदार अंदाज में गेंद को जज किया और उसके बाद फुल लेंथ डाइव लगाकर नरेन का उम्दा कैच लपक लिया। कमेंट्री के दौरान भी दिग्गजों ने इसे इस सीजन का अब तक का सबसे बेस्ट कैच करा दिया। इस कारण केकेआर ने अपने शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 17 रन के अंदर ही गंवा दिए थे। ये कैच वाकई हैरान कर देने वाला था, क्योंकि रवि बिश्नोई ने जिस अंदाज में गेंद को जज किया था, क्योंकि गेंद उनसे काफी दूर थी। उन्होंने काफी तेजी से करीबन 20 मीटर की दौड़ लगाई और उसके बाद अंतिम मौकों पर फुल लेंथ डाइव लगाई और कैच को लपक लिया। वो काफी तेजी से जमीन पर टकराए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गेंद को नहीं छोड़ा और शानदार कैच लपक कर अपनी टीम के साथ जश्न मनाने लगे। आपको बता दें, इससे पहले कोलकाता की बल्लेबाजी बेहद खराब रही थी। टीम ने 20 ओवर में सिर्फ 123 रन बनाए थे। कोलकाता के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 3 विकेट निकाले थे। इसके अलावा पैट कमिंस और सुनील नारायण को भी 2-2 विकेट मिले थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।